हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह नींद से उठने के बाद दोपहर को रेडी होके नहा धो के लंच लेके बैठ जाएंगे। आज लंच में है दही है, राइस है, ये अंडा मसाला है, ये सब्जी देख के मुक्का डाल है। बहुत बढ़िया खाना बनाया वाइफ ने। चलिए अभी खाना खाते। खाना खाने से पहले मेरा आदत है, मैं रोज एक बार प्रणाम कर लेता हूँ माता अन्नपूर्णा को। फिर खाना खा के अभी होटल के लिए निकलेंगे। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाए, सब्जी डाल के मुक्का डाल गर्मी में। फिर होटल पहुँचे, होटल पहुँच के रास्ते पे अपना टायर हो गया सामने का चक्का पंचर। मैं देखा टायर का भी हालत ख़राब है, तो अभी टायर चेंज कर देना ही अच्छा है। ट्यूब ठीक करने से अच्छा टायर चेंज कर देना ही बेटर है, नहीं तो रात को घर नहीं जा पाएंगे। फिर हम निकल गए इधर सामने भिवंडी मार्केट। भिवंडी मार्केट गए, मैं और मेरा एक दोस्त है फीम, दोनों मिलके होटल का गाड़ी लेके चले गए टायर लेने। टायर लेते टाइम इधर आप लोग वीडियो में देखते होंगे, बहुत सारा वीडियो में धावा नवाब धावा, एक नवाब धावा के उधर से ही जा रहे थे हम लोग। हाँ, आप लोग बहुत जन का वीडियो देखा है नवाब धावा का, चिकन लेग पीस वगैरह। देखिए नवाब धावा निकल गया। फिर हम भिवंडी से आ गए टायर लेके, टायर लेके गाड़ी में लगा के आ गए, टायर नया टायर लेके आ गए। फिर आने के बाद एक वैलेंटाइंस में कॉकटेल बनाया, बहुत ज़बरदस्त कॉकटेल रेसिपी है। कॉकटेल आप लोगों को रील्स में मिलेगा मेरा छोटा वीडियो पे। बहुत ज़बरदस्त कॉकटेल बनाया, देखिए बहुत अच्छा ऑरेंज जूस के साथ। मेरा छोटा वीडियो रील्स पे देखना। अभी फिर ऑर्डर आ गया है एक मॉकटेल्स का, ये देखिए लीची फ्लेवर का एक मॉकटेल का ऑर्डर आया। तो हम आइसक्रीम बेस में एक मॉकटेल बनाएंगे। ये देखिए हाथ में था आइसक्रीम था, और ये लीची क्रश और लीची जूस। चलिए इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मॉकटेल बनाते हैं लीची फ्लेवर में। पहले आइसक्रीम को हम मिक्सर में ले लेंगे, मिक्सर में आइसक्रीम को ले लेंगे, एक आइसक्रीम डाल देंगे और उसमें डालेंगे आइस डालेंगे, उसके बाद जूस डालेंगे। पहले जूस डाल लेंगे, एक मॉकटेल का ऑर्डर है लीची जूस डालेंगे। इसमें वेनीला आइसक्रीम डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने वेनीला नहीं था तो वेनीला स्ट्रॉबेरी मिक्स वाला था वो आइसक्रीम डाला। अभी जूस डाल लिए, जूस डालने के बाद फिर डालेंगे लीची क्रश। लीची क्रश, ये लीची क्रश यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। लीची क्रश, लीची जूस और आइसक्रीम, हमने स्मेल ले लिया, ख़राब तो नहीं हो गया ना, इसके वजह से स्मेल लेना पड़ता है कभी कभार। फिर हम डालेंगे आइस, आइस डालेंगे, ढेर सारा आइस डाल लेंगे, ढेर सारा आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद बस थोड़ा सा अभी डालेंगे, आइस डालने के बाद मिक्सर करेंगे बढ़िया से, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे जितना अच्छा मिक्स होगा। और उसके बाद मिक्स करके थोड़ा डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, थोड़ा मतलब रिच बनाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा क्रीम डालेंगे तो देखिए मिक्स कर लिए। अभी हमने सेफ को बोला आपके पास अमूल क्रीम है क्या, थोड़ा दीजिए, मेरा बार में ख़त्म हो गया था। तो अभी किचन से थोड़ा अमूल फ्रेश क्रीम लेके आके डालेंगे मॉकटेल में। देखिए लाया है अमूल फ्रेश क्रीम लेके आया, अभी अमूल फ्रेश क्रीम डाल लेंगे बस। फिर थोड़ा मिक्सिंग कर लेंगे मिक्सर में, फिर मिक्स कर लूँगा थोड़ा। अभी थोड़ा सा डालेंगे इसमें, थोड़ा सा इसमें डालेंगे शुगर सिरप, थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे शुगर सिरप बस, थोड़ा सा शुगर सिरप डालने के बाद फिर मिक्स कर लेंगे थोड़ा। अच्छा से मिक्स होने के बाद अभी हम लोग ग्लास में इसको सर्विस करेंगे। ये बन के रेडी हो गया हमारा मॉकटेल्स लीची फ्लेवर में। अभी इसको ग्लास में डाल के सर्विस करेंगे। पहले सेकर में डाल लेंगे, पहले स्टील का सेकर में डाल लेंगे, फिर उसको जो ग्लास में सर्विस करेंगे वो ग्लास में डालेंगे। पहले सेकर में डाल लिए मॉकटेल को, फिर इसको डालेंगे जो ग्लास में अपने को सर्विस करना है वो ग्लास में डालेंगे। अभी स्ट्रॉबेरी क्रश से थोड़ा गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा गार्निशिंग रिम करेंगे ग्लास को अच्छा से एकदम।
खूबसूरत देखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए ये बनाया। देखिए अभी बहुत अच्छा दिख रहा है मॉकटेल हमारा, ये बन के रेडी हो गया हमारा मॉकटेल। एक अम्ब्रेला स्ट्रॉ डाल देंगे, एक बढ़िया अम्ब्रेला स्ट्रॉ डाल देंगे इसमें। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा मॉकटेल। ये मॉकटेल अच्छा लगा तो हमें बताइएगा ज़रूर लीची फ्लेवर में। और ये मॉकटेल के साथ उनका ऑर्डर था गेस्ट का, एक चिकन का, चिकन 65 का ऑर्डर था, चिकन 65 और मॉकटेल। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।